वेलकम टू माई चैनल हेल्थी होम एंड फूड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मटन हांडी। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए 1 kg हमें गोश्त चाहिए, मटन चाहिए। उसके देखें ऐसे पीस बना लें। अब हम लोग एक देशकी लेंगे, उसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। एक देशकी में हम लोगों ने 1 कप ऑयल लिया। उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज, डालेंगे 1 अदद, उसे मोटी मोटी काट लें। अभी 2 मिनट फ्राई करने के बाद 2 मिनट के लिए हल्का सा मैंने ऑनियन को फ्राई कर लिया, प्याज को। अभी मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। अभी 1 मिनट के लिए इसको देखिए, गोश्त का कलर हमारा चेंज हो गया। अभी हम इसमें 10 अदद जवे लहसुन के डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून ऑफ नमक। नमक आप उसके बाद टेस्ट के हिसाब से कर लेना। उसके बाद डालेंगे 2 टमाटर लिए हैं, उसका टीका उतार के हमने पीस पीस कर लेना है, वो भी डाल देंगे साथ ही। डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक पीसा हुआ। लहसुन हमने पूरा साबुत डाला है, अदरक हमने पीस लिया। अभी हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। हम इसमें पानी है तकरीबन, और इसको 1/2 घंटे तक, 30 मिनट तक हम इसको गलने तक पकाते हैं। जब तक ये गलता नहीं, 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह। पहले से हम इसको गलने के लिए रख रहे हैं कवर करके। तो देखिए फ्रेंड्स, गोश्त मसाला हमारा गल चुका है, मसाला भी कितना अच्छा हमारे देखिए अंदर ही, पूरा प्याज भी गल चुका है, सब कुछ देखिए मिक्स हो गया मसाला इस तरह। 5 मिनट के लिए मैंने भूना है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 लीमू का रस। अभी इसके बाद मैं डालूंगी 1 कप दही डालूंगी मैं इसमें और अच्छी तरह भूनूंगी। तो बस 1 कप मैंने मिक्स कर दिया दही का। अभी मैं अच्छी तरह इसको मिक्स करके दही का पानी खुश्क होने तक इसको अच्छी तरह भून लूँगी। देखें दही का पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून गर्म मसाला डालूंगी। गर्म मसाला ऐड करने के बाद थोड़ा सा भूनेंगे इसको, फिर इसमें हम 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह भून गया। 1 चम्मच हमने इसमें देसी घी का डाला है, और घी का देखिए कितना अच्छा हमारा भून गया मसाला। मसाला से बहुत अच्छा हमारा भून गया गोश्त। अभी मैं क्या करूँगी, इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर दूँगी। 1 गिलास में पानी का ऐड किया, देखिए फ्रेंड जो ऊपर घी था ना वो मैंने पूरा इसमें निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगी, 1 चम्मच मैंने लिया है मैदे का लिया, 1/2 कप पानी में इसको मैं इसमें ऐड करूँगी अच्छी तरह। ये बिल्कुल पूरा ठीक हो जाएगा देखें। अभी 2 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगाती हूँ। ग्रेवी हमारी इतनी चिपक गई, अभी हम मैं इसमें जो घी निकाला था ना वो ऐड करूँगी। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप निकाल दें, अगर ठीक लग रहा है तो फिर आप रहने दें। ठीक है, अभी मैं इसमें करूँगी ऐड क्रीम। फ्रेश क्रीम मैं लूँगी तकरीबन 1/2 कप, 1 कप 1/2 कप ले लें काफ़ी है। 1/2 कप चिक्की जितनी मैं फ्रेश क्रीम लूँगी, उसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी अंदर। क्रीम हमारी बिल्कुल इसमें मिक्स हो गई है। अभी मैं क्या करूँगी, इसमें कटी हुई अदरक डालूँगी, हरी मिर्च डालूँगी और हरा धनिया डालूँगी, और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल हल्की आंच पर दम लगाएंगे। फिर मैं आपको इसकी लुक भी दिखाती हूँ और डिश आउट करके।
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखें हमारी मटन हांडी बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह से ये देखें, हांडी को अच्छी तरह पहले गर्म कर लें, उसके बाद इसमें सर्व करें। तो मैंने इसमें डिश आउट किया तो देखें माशाल्लाह से कैसे अभी तक पक रहा है। अगर इसमें मट्टी की हांडी में बनाते हैं तो बहुत देर तक गर्म भी रहता है। देखें अभी तक मैंने नीचे भी उतार लिया हुआ और पक रही है अभी भी माशाल्लाह से। इतनी लजीज, इतनी मज़ेदार बनी है ये हमारी मटन हांडी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ ट्राई करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपकी कैसी बनी, और मेरी भी बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे प्रोग्राम को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में बहुत याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम दूसरी डिश के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह, और कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।